हेलो। तो आज हम शुरू करेंगे वस्तुओं के समूह क्लास 6 का साइंस का सेकंड चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं मतलब कोई भी सामान जो हमें दिखता है, कपड़ा हो गया, धरती, गगन, पानी, रोटी, इटीसी, मतलब जो भी हमें दिखता है वो सारा वस्तु है। इसका हम समूह बनाएंगे क्योंकि हर चीज अलग अलग ग्रुप में बटी है। खाने में रोटी कपड़ा हो गया, चावल हो गया, वैसे पीने में पानी, दूध, लस्सी, पहनने के लिए कपड़े में आपका शर्ट, पैंट, धोती, कुर्ता, गमछा, गगन, धरती, मतलब एक अलग अलग समूह की ये सब वस्तुएं हो गई। तो हम आज इसी के बारे में जानेंगे कि वस्तुओं के समूह क्या क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 2.1 हमारे चारों ओर की वस्तुएं, ठीक है। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इस प्रकार की विविधता चली विविधता वाली अनेक वस्तु होती है। हम अपने चारों ओर कुर्सी, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने के लिए बर्तन, वस्तु पुस्तकें, वस्त्र, खिलौना, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग यानी वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। चित्र 1.2.1 में दिखाया गया। चित्र हम आगे देखेंगे। मैंने बोला था ना, जो भी हमें दिखती है सारी वस्तुएं हैं, वही यहाँ कहा गया है कि हम खाने से लेकर पहनने, ओढ़ने, घूमने फिरने में जितने भी चीज़ों का उपयोग करते हैं वो सारी वस्तुएं हैं। या तो कोई गोल है, चकोर है, चपटा है, लंबा है, यानी हर का अलग अलग रूप है। आगे पढ़ते हैं। अपने चारों ओर देखा कि देखिए अर्थात गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबर की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं की ओर को भी सम्मिलित कर ले तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मैंने बोला था ना, वस्तु कई प्रकार की होती है, गोल, चकोर, चपटी, लंबी, मोटी, पतली। तो वही यहाँ कहा गया है कि हम चारों ओर देखते हैं कि अगर गोल आकृति की वस्तु देख ले, गेंद हो गया, फुटबॉल हो गया, कंचे हो गए जो कांच के गोले जिससे बच्चे बचपन में खेलते हैं, फल में सेब, संतरा, नारंग, सॉरी, अनार, मतलब जितनी भी गोल चीज़ें दिखती है वो एक वस्तु हो गई, यानी गोलाकार वस्तुएं कहलाएंगी, ठीक है। इसमें घड़ा भी आ गया, मटका भी आ गया, हम फिगर भी देखते हैं। देखिए ये सारी वस्तुएं हैं, ऐसे पिलास, गिलास, खिलौना, ताला, कैसेट, मोबाइल, सीडी ड्राइव, दस्ताने, कांच का टेबल पेपर, सॉरी, जिसे हम पेपर दाबते हैं टेबल पे, लंच बॉक्स, या आप इसे स्टोन बॉक्स बोल सकते हैं जिसमें बच्चे अपने पेन, पेंसिल आदि रखते हैं, या कोई खिलौना, आलू, सब्जी, ये सारे मतलब वस्तुएं कहलाएंगे। यानी जो भी हम देखते हैं सारे वस्तुएं हैं। आगे हम पढ़ते हैं। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं, जैसे बाल्टी, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र आदि, पाइप, नलिया, तो इस प्रकार की वस्तुएं कोई समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने बहुत से ढंग हैं,
देखो जैसे प्लास्टिक के अगर हम वस्तु ही ले लें, तो प्लास्टिक की क्या वस्तु है आज की डेट में नहीं है, बोतल से लेकर रेल के खिलौने, बच्चों के खिलौने तो अधिकतर प्लास्टिक के ही होते हैं। प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो कभी नष्ट नहीं होती, 50 साल 100 साल पानी में पड़ी है, वातावरण खुले वातावरण में पड़ी, पर वो नष्ट नहीं होती। तो बहुत सी वस्तुएं प्लास्टिक की हो सकती है। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृति तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं इस आधार पर बांटा है। अब दो प्रकार के हो गए ना, एक तो हमने बांटा है उसकी आकृति पे, गोलाकार है, वर्गाकार है, चौकोर है, लंबा है, मोटा है या पतला है। दूसरा किस पदार्थ से बना है, ठीक है, जैसे प्लास्टिक का बना है, लोहा का बना है, मिट्टी का बना है। आगे बढ़ते हैं, हमारे चारों ओर की वस्तु एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मुद्रा हो सकती हैं, सॉरी मृदा यानी मिट्टी, मृदा यानी मिट्टी हो सकते हैं। क्या पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? जैसे उन्होंने बोला वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं, जैसे कांच हो गया, धातु हो गए, धातु में लोहा टीना सब आ जाते हैं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मिट्टी यानी मृदा हो सकते हैं। इसके अलावा भी कोई वस्तु है जो इसके अलावा ही बने, सोचिए। आगे बढ़ते हैं, आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तु एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है, तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं। हमारे संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, ब्लैक बोर्ड साफ करने वाला झाड़न, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिया, पहिए का चारा, पहले पहिए का आरा, बैट यानी बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक या आलू। हम वस्तुओं की एक सूची भी बना सकते हैं जिसमें बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला सकते नहीं हैं। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें, सिलेंडर। अब घर से सिलेंडर उठा के तुम ला सकते हो स्कूल में? नहीं ना, घर वाले कूट देंगे। तो इसकी हम कल्पना करके लिख सकते हैं। अगला पेज पे हम चलते हैं, और ही वस्तुओं के बारे में जानते हैं, वस्तुएं क्या क्या है, ठीक है। इस संग्रह में उन सभी वस्तुओं को प्रतीत कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं के दो समूह में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है, तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इस प्रकार हम खाना बना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। चलो हम काम करते हैं, वस्तु जो हमने इकट्ठा किया उसको दो भाग में बांटते हैं, एक तो लकड़ी से बनी हुई, दूसरी कागज से बनी हुई। तो ये दो समूह हो गए। अब इसी को अगर हम लोहे, स्टील यानी चांदी, सोना में बांटेंगे तो फिर और ज़्यादा प्रकार की वस्तुएं हो जाएंगी, ज़्यादा समूह हो जाएंगे, सॉरी। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 2.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इन लंबी सारणी एक लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना है। एक कौतुक हो सकता है, एकत्र की गई वस्तुओं में कुछ वस्तुएं के पदार्थ के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकार के पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कर सकते हैं।
ये आप लोगों को करने के लिए है। जैसे आप सब मिलकर बहुत सारे सामान को इकट्ठा कीजिए, वस्तुओं को, और सबकी एक लिस्ट बनाइए कि जो भी वस्तु आप पहले एक वस्तु उठाइए उसमें उस किस चीज़ की बनी है, कैसी उसकी आकृति है, ठीक है। फिर दूसरा उठाइए किस चीज़ से बनी है, कैसी आकृति है, मतलब सबको एक लिस्ट बनाइए। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ मालूम है कि हाँ इस सारी वस्तु किस किस की वजह है, जिसके बारे में हम नहीं जानकार जान ले मतलब सॉरी जानकारी आपको नहीं है कि किस पदार्थ से बनी है, तो आप अपने दोस्तों से, गुरुजी से या घर पे किसी आदमी से विचार कर सकते हैं, यानी पूछ सकते हैं किस चीज़ से बनी हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 2, सारणी 2.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी की और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम में जोड़ सकते हैं। जैसे प्लेट यानी थाली, ये किस किस से बनी होती है? इस्पात, कांच, प्लास्टिक। इस्पात मतलब कोई या तो पीतल की होगी या लोहे की होगी, ठीक है, नहीं तो स्टील की होगी, कोई एक होगी, कांच की या प्लास्टिक की होगी। पेन या तो प्लास्टिक की होगी, नहीं धातु, लकड़ी या लोहे की भी हो सकती है। ऐसे ही आप लिस्ट बनाइए। इसके आगे एक अपने से खुद लिखिए कि आखिर कोई एक वस्तु का नाम लिख दीजिए, फिर वो किस चीज़ से बनी है, ठीक है। फिर आगे एक और लिखिए, फिर उसके बारे में जानिए किस किस चीज़ से बनी है। अब मान लीजिए अब प्लेट आपको जानते हैं, पेन हो गया, कुर्सी हो गया, चलिए एक दो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कुर्सी या तो लकड़ी की बनी है, ठीक, और नहीं तो इस्पात, लोहे, ठीक है, या तो लकड़ी होगी, लोहे होगा या प्लास्टिक होगा, एक आप खुद से लिखिए, ठीक है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए किस किस चीज़ से बनी है। अब आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि अब एक एक चीज़ लिख के अगर बताया जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर जल्दी सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाएगा। बुझो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार के वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। सही बात है। अब एक सवाल पूछा जाता है कि कोई ऐसा पदार्थ ले लीजिए जो एक से अधिक प्रकार की वस्तुएं बनाता हो। सिंपल सी बात है, आप प्लास्टिक ही ले लीजिए, प्लास्टिक से क्या नहीं बनता है, एक ही पदार्थ बनता है, एक ही वस्तु बनता है, नहीं मतलब अनेकों, 99% तो प्लास्टिक के सामान आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी को दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इस पदार्थों से बनी है, और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है। अब आपने जान लिया कि पदार्थ किस की वस्तु कौन कौन सी है, और एक पदार्थ से कितनी वस्तुएं बना सकते हैं या कौन कौन सी बन सकती है। अब इसका एक जो डेली आप उपयोग करते हैं सुबह से लेकर सोने तक, जो भी चीज़ आप उपयोग करते हैं उसकी एक सूची बनाइए, और उसके बारे में जानिए कौन से पदार्थ की है और उसकी आकृति कैसी है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इस सब सारणियों में से सारणियों से हमें यह पता चलता है कि पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा, इस पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तु विभिन्न पदार्थों से बनी है। खुद देखिए ना, अब घर से लेकर बाहर तक जितनी भी वस्तुएं आप देखते हैं क्या एक ही पदार्थ की बनी है? नहीं ना, बहुत
से पदार्थों से बनी है। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। सही बात है, कोई पदार्थ या तो सिर्फ एक ही पदार्थ से बनी है, मान ले मटका, वो सिर्फ मिट्टी से बनी है। अब आपके हाथ में पेन है, पेन क्या सिर्फ प्लास्टिक से बनी है? नहीं, उससे प्लास्टिक भी है, इंक भी है, उसकी जो नीब है जिससे इंक बाहर निकलता है वो लोहे की है। ठीक है, वो भी तीन पदार्थ से बन गई, यानी एक ही वस्तु तीन तीन अनेक पदार्थों से बन जाती है। और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती है, यह कैसे निश्चित किया जाता है? सोचिए, एक ही वस्तु को कई पदार्थों से बनाया जाता है, इसका निश्चित मतलब निश्चित कैसे किया जा सकता है कि कई पदार्थों से बनाया? तो हम देख के या उसके बारे में जान रहे हैं कि हाँ ये लोहा है, ये प्लास्टिक है, ये मिट्टी है, तभी ना, नहीं तो कैसे जानकारी मिलेगी? आगे बढ़ते हैं, सारणी 2.2। सामान्य पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे लकड़ी, लकड़ी से क्या क्या बनती है? कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए, बहुत से हैं। आप सोचिए तो बहुत सी वस्तुएं हैं, घर का दरवाजा हो गया, बेड हो गया, खिलौने हो गए, बहुत से कागज, पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर, इसके अलावा नहीं, शादी का कार्ड, पेपर का ही बनता है ना वो, पेपर से बहुत चीजें बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ, आज तो पेपर से प्लेट भी बन रही है खाने वाली, चाय की कप, बहुत सी वस्तुएं हैं। आगे चमड़ा, अब बताइए चमड़ा से क्या क्या बनता है? तो चमड़ा से भी बहुत बनते हैं, बेल्ट हो गया, ठीक, बैग हो गया, सॉरी हिंदी लिखता हूँ, थैला, कपड़ा, बहुत से जैकेट जो पहनते हैं, कपड़े, चमड़े का, बहुत सी चीजें बनती है, पर्स बनती है, बहुत सी चीजें, प्लास्टिक, प्लास्टिक से क्या है, खिलौने, टेबल, कुर्सी, बल्ब, इलेक्ट्रिक बोर्ड, डब्बे, पेन, पेन, बहुत सी चीज़ें जो प्लास्टिक से बनती हैं। और आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़, हाँ रुई, रुई से सोचिए क्या क्या बनती है, और कमेंट में हमें बताइएगा रुई से क्या क्या बनती है। कम से कम 10 वस्तुओं का नाम बताना है जो रुई से बनती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, मैंने पीछे कुछ छोड़ दिया क्या इस पेज का? चलिए, सॉरी ये कौन सा पेज है? 13, ये 12, ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ तो ये खत्म हो गया है, बनाई जाती है, कैसे निश्चित किया जाता है? अच्छा हाँ, है के बाद आगे का पेज है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कि किसी दी गई वस्तुओं को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है।
आपने तो नॉर्मली तीन चार पदार्थों का नाम ले लिया, ये जानकारी ले ली। क्या ऐसा भी हो सकता है इनके अलावा भी कोई ऐसा पदार्थ है जिससे वस्तुएं बनाई जाती है? तो चलिए आगे हम जानने की कोशिश करते हैं। 2.2 पदार्थ के गुण, पदार्थों के गुण। अभी पदार्थों के गुणों के बारे में हम जानकारी लेंगे, गुण कौन कौन से है पदार्थ के। ठीक है, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं, इसलिए यदि हम कपड़े का गिलास बनाएंगे तो क्या हमारा यह कार्य काफी हास्यास्पद नहीं होगा? हास्यास्पद मतलब हंसने वाला वाक्य, दृश्य मतलब जिसपे हंसी आए, हास्यास्पद जिस सबसे हास्यास्पद जिसके द्वारा हम हंसे, मैंने वैसे पद को जिस पे हमें हंसी आए उसे हास्यास्पद बोलते हैं। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सके, रोक सकता हो। इसी प्रकार खाने पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाता, समझे? कहने का मतलब कि क्या हम कपड़े में पानी रख सकते हैं या कागज में खाना बना सकते हैं? मतलब हर चीज के लिए एक ऐसा पदार्थ चाहिए जो उसके गुण को रोक सके, जैसे पानी को कपड़ा नहीं रोक सकता, और खाने को अगर हम कागज में पहना गएंगे तो कागज पहले जल जाएगा या कागज में खाना टिकेगा ही नहीं। यानी हर चीज का अपना एक गुण है। अब जैसे आपको बोल दिया जाए पढ़ाने के लिए और शिक्षक को बोल दिया जाए पढ़ने के लिए, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उनके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, नीचे कुछ गुणों का विवेचन की गई है। यानी कहने का मतलब हर पदार्थ का एक अपना गुण होता है और उसी गुण की निर्भरता पर अन्य चीजें उसे वर्क करती हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि पदार्थ के गुण और उनकी विभिन्नताएं और उससे क्या-क्या कर सकते हैं। पहला पढ़ते हैं दिखावट, मतलब आकृति जो बाहर से हम देखते हैं। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबे से अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे तांबे और एल्युमिनियम में से कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। कहने का मतलब कि लकड़ी है उसकी अलग भिन्नताएं हैं, लोहा है, तांबा है अथवा एल्युमिनियम है इसकी अलग भिन्नताएं हैं, लेकिन हो सकता है कि लोहा तांबा और एल्युमिनियम एक ही समानताओं पर वर्क करते हों, पर लकड़ी क्या उस समानता पर वर्क करेगी? नहीं ना। आगे पढ़ते हैं क्रियाकलाप 3, विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की सीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए, क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीली पदार्थों का एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपने शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को दो भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए, चित्र 2.3। ठीक है, आगे देखते हैं। आपने क्या पाया? क्या इस पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इस प्रकार के कोई भी चमक अथवा दीप्ति देखते हैं? जैसे कि संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए, ऐसा आप कक्षा में जितनी पदार्थों के साथ कर सकते हैं,
कीजिए तथा धुतिवान तथा धुतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थ के पृष्ठों को पदार्थ के पृष्ठों को रेग माल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वस्तु की ये धुतिविन है अथवा नहीं। कहने का मतलब है कि कुछ पदार्थ आपने ले लिया जिसे हम काट सकते हैं, ठीक, और उसे काटिए। क्या काटने पर उसके बीच चमकीली कुछ दिखाई देती है? जैसे आप जंग लगे लोहे को काटिएगा, बाहर से तो भले जंग लगा है, लाल हो गया है, पर अंदर से काटने पर वह चमकेगा। या आप उसे रगड़ दीजिए, रेत वो जंग छुड़ाने वाला जो होता है उससे रगड़िएगा तो भी वो चमकने लगेगा। तो अब दो सूची बनाइए। अब लकड़ी को काटिएगा तो चमकेगा, नहीं चमकेगा, तो दो सूची बनाए, एक तो जो चमकता हो, एक नहीं चमकता हो। पदार्थ जिनमें एक प्रकार की धुतिहीन होती है वे प्रायः धातु होते हैं। पदार्थ जिस जिनमें इस प्रकार की घृति होती है घुटती होती है प्रायः वह धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोने धातु के उदाहरण है। जी, अब जिस चीज को काटेंगे वो चमके, ऑब्वियसली वो धातु का धातु होता है। मतलब जो चीज काटने पर या तोड़ने पर रगड़ने पर चमकता है वो धातु होता है। जैसे आप लोहा ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, सोना ले लीजिए, ये धातु के उदाहरण है। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देते हैं, जैसे धीरे ही निष्प्रभ दिखाई देने लगते हैं। ऐसे उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रिया एक कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही दिखाई देते हैं। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का प्रवण करेंगे तो धातु की छड़ों को ताजे कटे पृष्ठों को देखेंगे तो प्राय प्रयास करें और यह देखने की धातुओं की धृति अथवा नहीं। मैंने कहा ना, जैसे लोहा को बाहर छोड़ दीजिए वो चमकेगा नहीं, कुछ दिन बाद उस पर जंग लग जाएगी, वो लाल कलर का या जंग लग जाएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा लेकिन वो चमकेगा नहीं। लेकिन हाँ, उसको आप काट दीजिए या उसे पिघला दीजिए या उसे रगड़ के साफ कर दीजिए तो वो चमकने लगेगा। तो यही पहचान है धृतिहीन और धृति की। अब आगे पढ़ते हैं, वो दिखावट में आ गया, अब आगे पढ़ते कठोरता। ठीक, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें कुछ को दबाना या संपीड करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए, कैसे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा अन्य वस्तु के पृष्ठों को खोजने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं जबकि कुछ पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आप आसानी से संपीड़ित किया तथा खोजा जा सकता है वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं। अब कठोरता पे आते हैं। जैसे कोई दो तीन पदार्थ ले लीजिए, कुछ ऐसे पदार्थ जिससे हम दबाए तो वो दबे ना, जैसे लोहा हो गया, ताला हो गया, चाबी हो गया। अब मोमबत्ती लेकर दबाएगा तो आराम से दब जाएगा, ठीक। पत्थर का टुकड़ा दबाएगा, दबेगा नहीं। यानी कुछ चीज़ें जो आसानी से दब जाए, मुड़ जाए, वो कोमल पदार्थ कहलाती है, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना आसान होता है, कठिन होता है, सॉरी, कठोर पदार्थ। उस उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। मैंने बोला ना, जो दब जाए, रुई को आप आराम से दाब सकते हैं, ये कोमल पदार्थ कहलाएंगे। अब लकड़ी को ले लो, लोहा के ले लो, ये दबेगा नहीं, ये सब कठोर। दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धृति, कठोरता, रुक्ष, यानी खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप इन गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? ऑब्वियसली कठोर, रुक्ष यानी खुरदरा, खुरदरा ईट ले लो वो खुरदरा होता है, चिकना पत्थर भी कोई कोई बहुत चिकना होता है, टाइल्स बहुत चिकना होता है, पर वो कठोर होते हैं, यानी दिखावट भी हो गया और कठोरता हो गया। अब क्रियाकलाप करते हैं आगे।
एक और पढ़ते हैं, चलिए। विलय अथवा विलय, विलय जिससे हम मिला सके, दो तीन पदार्थों को एक में मिला दे और वो दोनों एक में सम्मिलित हो जाए, उसे विलय कहलाता है। और जो ना मिले वो अविलय कहलाता है। कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, रेता, लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए, कांच के 5 गिलास लीजिए, प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए, प्रत्येक गिलास में कुछ मात्रा में यानी चम्मच भर कर चीनी, दूसरे में नमक तथा इस प्रकार शेष गिलास में पदार्थ मिलाइए, प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तुएं को चम्मच से विलय कीजिए, धीरे धीरे यानी हिलाए, कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए, तब पता लगेगा कि जल में दिखाए मिलाए गए पदार्थों को क्या होता है। चित्र 2.4 अपने परीक्षणों को सारणी 2.3 में दर्शाए। देखिए कहने का मतलब, विलय और अविलय, हम 2 गिलास ले लेते हैं, ठीक है। हमने 2 गिलास ले लिया, और इसमें हम क्या करते हैं, पानी भर देते हैं, ठीक है। एक में डालते हैं पत्थर और एक में डालते हैं नमक। अब दोनों को चम्मच से हम हिलाते हैं, ठीक है। तो क्या पानी में पत्थर घुल जाएगा? नहीं घुलेगा ना। और नमक घुल जाएगा, यानी नमक तो हमें कुछ समय बाद दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। बट पत्थर हमें कितना ही हिला लिए, कितना ही डुलाए, कितना ही मिला लिए, वो वैसे का वैसा ही दिखाई देगा। यानी जो पानी और पत्थर हुए अविलय हो गए, मतलब दोनों नहीं मिले, अविलय कहलाएंगे। यानी पानी से पत्थर नहीं मिला, अविलय। और वही नमक और पानी दोनों मिल गए, ये विलय। यानी नमक इसमें लुप्त हो गया, नमक पानी में है बट दिखाई नहीं दे रहा, वो उसमें मिल गया, उसकी आकार के अनुसार ढल गया। यही दोनों में भिन्नता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ सारणी 2.3, विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना। नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, चीनी ये भी जल में पूर्ण लुप्त हो जाता है, चीनी और पानी को घोलिएगा तो रहेगा नहीं ना, वो लुप्त चीनी हो ही जाएगा, बालू ये नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। चाक पाउडर, चाक पाउडर भी विलुप्त हो जाएगा, घुल जाएगा, ठीक है। ये नहीं, हाँ लकड़ी का बुरादा नहीं, पानी में कितना भी लीजिए लकड़ी का बुरादा मिलाइए, कभी नहीं मिलेगा। यानी जो मिल गया वो विलय, जो नहीं मिला वो अविलय। अब आगे बढ़ते हैं। आप यह पाएंगे कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए तथा घुल गए, विलय विलीन हो गए। यानी हम कह सकते हैं कि पदार्थ जल में विलय है, अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विलोरित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते, ये पदार्थ जल में अविलय है। चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीत हो सकते हैं? ठीक है, अब आज यही खत्म करते हैं, कल पढ़ेंगे हम क्रियाकलाप 5 से कि जल द्रव भी जल में विलीन हो सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर बताइए कमेंट करके, और आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।